नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज रिपोर्ट। बिहार प्रदेश के रोहतास नगर परिषद के नव निर्वाचित मुख्य पार्षद राधेश्याम सिंह, उप मुख्य पार्षद धनंजय सिंह सहित सभी वार्ड पार्षदों ने अपना पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर नगर परिषद कार्यालय में पहली बार पहुंचने पर कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार, सत्यनारायण प्रसाद, संजय कुमार, सच्चिदानंद मोहन कुमार ने स्वागत किया। कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार की उपस्थिति में सभी वार्ड पार्षदों को सम्मानित भी किया गया। वार्ड पार्षदों का स्वागत कार्यालय के कर्मियों ने किया, जिसमें वार्ड नंबर 1 से शिव कुमार, 2 से राम इकबाल और 3 से मनोज कुमार, 4 से कंचन कुमारी, 5 से पुष्पा कुमारी, 6 से तेज नारायण सिंह, 7 से मंजूषा कुमारी, वार्ड 8 से भीम सिंह, वार्ड 9 से सुदामा कुमार, वार्ड 10 से प्रमोद कुमार पासवान, 11 से श्रीमती कंचन देवी, वार्ड 12 से सदरुन नेसा, वार्ड 13 से आरती देवी, 14 से न्याम खातून, वार्ड 15 से मंजू देवी, वार्ड 16 से निर्मला देवी, 17 से विनय कुमार, वार्ड 18 से अली शेर अंसारी, वार्ड 19 से सुनीता कुमारी, वार्ड 20 से रेणु देवी, वार्ड 21 से ललिता देवी, वार्ड 22 से प्रमोद कुमार, वार्ड 23 से अयोध्या राम, वार्ड 24 से कृष्णावती देवी, वार्ड 25 से श्रीराम प्रसाद का स्वागत किया गया। इस मौके पर सुरेश शर्मा, पिंटू कुमार, अशोक चौधरी सहित कई लोग मौजूद थे। जनता त्रस्त है, देख रहे हैं कि न यहाँ टेम्पो स्टैंड है, न बस स्टैंड है, तो हम आप लोगों को वादा करता हूँ कि मैं इस काम को करके दिखाऊंगा कि जो अतिक्रमण हुआ है उसको मैं मुक्त करने का काम जरूर करूंगा। इसमें आप लोग का भी सहयोग की हमें जरूरत पड़ेगी। आप लोग अगर कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे तो नोखा अनोखा जरूर बन जाएगा। लेकिन जितने लोग आए सभापति उपसभापति, लेकिन अतिक्रमण मुक्त कर देंगे, बाजार अच्छा बाजार बन जाए, बाजार में लोगों को टैक्स भी वसूला जाता है, लेकिन फिर भी उन लोग को जगह नहीं है। गह मनते हैं, टाट बिछा कर बेचारे अपने आते हैं, देहात से लोग बेचते हैं। इसके लिए अस्थाई कम से कम हाट होना चाहिए। जी, आपका कहना बहुत अच्छा है, सुंदर है, लेकिन मैंने चुनाव के दरमियान में भी बोला था कि मैं जीतूंगा तो नोखा में बदलाव होगा। तो आप विश्वास रखिए, धैर्य रखिए कि इस चुनौती को करने के लिए मैं सहस्त्र तैयार हूं और बदलाव होगा। थोड़ी सी समय हमको दीजिए, थोड़ा वक्त लगेगा, बिगड़े हुए कामों को सुधारने में थोड़ा समय लगेगा। इसके लिए आप लोगों को भी धैर्य रखना पड़ेगा, हमें भी आप मार्गदर्शन दे सकते हैं। उसके लिए मुझे एतराज नहीं है कि मैं नोखा नगर का सभापति हूं तो हमसे मीडिया लोग हमको सलाह देता है। मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूं, आप मुझे सलाह दीजिए और काम लीजिए, मैं करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। जिला परिषद का जमीन जो बस स्टैंड के लिए जो अनुमोदन हुआ था बनने के लिए, बीच में कुछ कारणवश उस पर स्टे लग गया, हाई कोर्ट का स्टे लग गया और आज तक वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है। लेकिन लोगों को ये पता नहीं है कि कहां तक पेंडिंग में पड़ा हुआ है, क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि राशि आई हुई लौट के। देखिए, आपको भी पता, आप लोग तो सब कुछ जानते हैं। जो कार्य अगर न्यायालय में होगा उसको तो मैं नहीं छू सकता हूं, लेकिन उसको अपने पक्ष में लाने के लिए, वहाँ नगर परिषद का कार्य कराने के लिए मैं तैयार रहूँगा कि कहाँ तक अवरुद्ध है, कौन सी समस्या है, उसका हम निराकरण कैसे करेंगे, ये सब करने के लिए हम तैयार हैं। आपकी एक छोटा सा मुद्दा है, यहाँ पर नगर परिषद में अतिथियों के लिए आए भी नहीं। क्या बोले? अतिथियों के लिए जो बाहर से लोग आते हैं, चाहे वो विधायक हो या मंत्री,
या कोई अतिथि गृह नहीं है, अतिथि गृह नहीं है हमारे यहाँ, उस तरह का आईवी रूम नहीं है। क्या कोई प्रावधान है बनाने के लिए? पहले तो इसके लिए हम जमीन का मांग कर रहे हैं, अगर मुझे जमीन मिल जाता है तो नगर पंचायत का फंड लगे या दूसरे मद से भी हम पैसा लाकर इसको बनवाने का काम करेंगे। बहुत सुंदर आपका प्रश्न है कि यहाँ अतिथिशाला होनी चाहिए। ये संदेश देना चाहते हैं, जितने उम्मीद से जनता ने हम लोगों को वोट देकर यहाँ नगर परिषद में पहुँचाई है, और खास करके युवाओं भाइयों को ना कहेंगे कि उन लोगों ने खास करके हमको ना वोट देकर जिताया है, उन लोगों का भरोसा को हमने कभी नहीं तोड़ा है। अब पूर्ण बहुमत के तरह सरकार बनी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, हम लोग विकास करेंगे। आज से हम लोग नोखा को सुंदर बनाने के लिए, और स्वच्छ नोखा बनेगा, सुंदर नोखा बनेगा। नोखा के हमने बेटा है,